मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल गुरुवार को एड की विशेष कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने अदालत के समक्ष सशरीर हाजिरी लगाई। अब कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि पूजा सिंघल खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी है। वह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर है। गुरुवार को उन्हें पुलिस पेपर सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अब चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया की जा सकती है। गौरतलब है कि ईडी ने 5 मई 2022 पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की थी। पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19 करोड़ बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।